नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। हरियाणा सरकार ने गुरुवार देर रात हिंसा प्रभावित नूह जिले के पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला का ट्रांसफर कर दिया है। वह हिंसा के दिन छुट्टी पर थे, उनकी जगह पर एसपी नरेंद्र ने नूह का जिम्मा लिया है। नूह हिंसा के बाद शुक्रवार को प्रशासन ने तावड़ू इलाके में 200 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाया। ये कंस्ट्रक्शन अवैध था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि यहाँ बांग्लादेशी रोहिंग्या अवैध तरीके से रह रहे थे और हिंसा में शामिल थे। कई युवकों के नाम एफआईआर में दर्ज है। नूह हिंसा के विरोध में 2 अगस्त को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली एनसीआर में रैलियां निकाली थी। इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था। आज जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच मामले पर दोबारा सुनवाई करेगी। नूह में आज जुम्मे की नमाज घरों में ही होगी। नूह के डीसी प्रशांत पवार और पुलिस अधीक्षक ने उलमियाओं से अपील की है। गुरुग्राम में भी एसीपी क्राइम वरुण दहिया ने खुले में नमाज न पढ़ने की अपील की है। सभी मस्जिदों पर पुलिस की सिक्योरिटी रहेगी। हिंसा के चलते 4 जिलों नूह, पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम में हालत तनावपूर्ण हुए हैं। चारों जिलों में पैरामिलिट्री फोर्सेस की 20 कंपनियां तैनात की गई है और इंटरनेट बंद है। राज्य के 9 जिलों में धारा 144 लागू है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।